नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूनिक एसबी सेंटर के ऑनलाइन क्लास में। हम अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारा अपना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि रासायनिक संयोग के नियम, जिसमें हमने अपने दो नियम पढ़ लिए, जिसमें हमारा पहला नियम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा नियम हमने जो पढ़ा वो था लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन और हमारा जो तीसरा नियम आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यानी कि गुणित अनुपात का नियम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गुणित अनुपात का नियम होता क्या है। तो गुणित अनुपात का नियम सबसे पहले हमें जॉन डाल्टन ने दिया था। गुणित अनुपात का नियम हमें जॉन डाल्टन ने दिया था, वो भी 1803 ईस्वी में। ठीक है, जॉन डाल्टन जी ने गुणित अनुपात का नियम 1803 ईस्वी में दिया था। इनके नियम के अनुसार जो इन्होंने बताया कि, तो देखिए इन्होंने बताया, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, यानी इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन एलिमेंट वन कंपाउंड द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। यानी कि इन्होंने बताया कि यदि दो एलिमेंट्स हैं यानी दो तत्व हैं वो आपस में संयोग करके एक से अधिक तत्व बना रहे हैं, एक से अधिक कंपाउंड बना रहे हैं यानी एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं। दो तत्व हैं, अगर देखिए दो तत्व अगर कंबाइन होकर एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं तो द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, यानी कि मासेस यानी उनके भारों का यानी उनके द्रव्यमान का जो अनुपात होगा, एक एलिमेंट के भार का जो अनुपात होगा वो दूसरे एलिमेंट के फिक्स, दूसरे एलिमेंट का मास फिक्स, देखिए फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट यानी कि दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से संयोग करेंगे। ठीक है, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, उनका जो रेशियो होगा वो एक स्मॉल होल नंबर यानी स्मॉल पूर्णांक होगा। ठीक, इन्होंने सीधे सीधे हम इनकी बात को समझे तो इन्होंने कहा कि अगर कोई दो एलिमेंट्स मिलकर के एक से अधिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं तो इनके अनुसार कि वो दो जिस कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं इसमें जो पहला एक एलिमेंट होगा उसका जो निश्चित भार होगा, उसका जो मास होगा वो एक निश्चित होगा, लेकिन जो दूसरा वाला आएगा उसका कुछ दूसरा मास एक बार संयोग करके एक कंपाउंड का निर्माण करेगा, फिर कुछ दूसरा मास यानी जो पहले वाले में ना मास हो उसके अलावा दूसरा मास फिर से उसे संयोग करके किसी दूसरे कंपाउंड का निर्माण करेगा। तो उन दोनों का रेशियो यानी कि जो पहले कंपाउंड में दूसरे एलिमेंट का जो मास था और दूसरे कंपाउंड में उसी दूसरे एलिमेंट का जो मास है उनका रेशियो एक स्मॉल होल नंबर यानी एक छोटा पूर्णांक होगा। तो हम इसको अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल से हमको ज्यादा समझ में आएगा, आपको भी एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। तो हम देखते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल, देखिए मान लेते हैं हमने दो एलिमेंट हमको लेने, ठीक, तो हम मान लेते हैं हम ले लेते हैं एक हाइड्रोजन, हम एक हाइड्रोजन ले लेते हैं और दूसरा एलिमेंट मान लीजिए हम ले लेते हैं ऑक्सीजन। ओके, तो इसमें हमें बताया गया कि एक का एक द्रव्यमान और दूसरे का अदर यानी दूसरे का कुछ और द्रव्यमान, तो हम मान लेते हैं इनका संयोग करा के बना लेते हैं हम H2O यानी कि वाटर। ठीक है, तो इसमें कितना लगा, H का कितना द्रव्यमान है, दो, यानी हाइड्रोजन का दो और ऑक्सीजन का कितना, वन। ठीक है, तो ये हमारा एक कंपाउंड बना, हमने दो एलिमेंट्स लिए एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन जिसको हमने संयोग कराया, इसका दो द्रव्यमान और इसका एक द्रव्यमान और बनाया यहाँ पे वाटर। ठीक है, ये है वाटर, वाटर यानी कि जल। फिर हम दूसरा कंपाउंड, ये पहला कंपाउंड हमारा रहा फर्स्ट कंपाउंड। ठीक है, और दूसरा कंपाउंड बनाने के लिए हम एक बताया ना कि वन एलिमेंट यानी विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट यानी एक एलिमेंट का जो मास है वो फिक्स है, तो हम मान लेते हैं इसका हम फिक्स रख देते हैं, तो ये हो गया 2H यानी कि दो हाइड्रोजन, फिर इसका संयोग हम करा देते हैं ऑक्सीजन के दूसरे से। ठीक, ऑक्सीजन के यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का फिक्स है लेकिन ऑक्सीजन का एक था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का चेंज कर देते हैं, यहाँ है ना, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, यानी कि अभी हम इसका रेशियो निकालेंगे तो एक स्मॉल होल नंबर होगा। तो देखिए ये हो गया 2H, इसको बनाते हैं ये बन जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये हमारा दूसरा कंपाउंड। तो इनके अनुसार इन्होंने बताया था, देखिए हमारा दो कंपाउंड बनके तैयार है, एक पहला कंपाउंड ये रहा
और दूसरा कंपाउंड हमारा ये रहा। इनके अनुसार ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट, इसका देखिए दोनों में मास फिक्स है, दो हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है। इसमें एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन दिया गया है, जिसमें हमारे पहले में बना वाटर H2O और दूसरे में बना H2O2। तो इन्होंने कहा क्या, इसको हम ध्यान से देखते हैं फिर से। टू एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, यहाँ पे दो कंपाउंड बन के तैयार है, ठीक। द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। इसका देखिए एक मास का मास फिक्स है, इसका जो मास होगा उसका एक रेशियो स्मॉल होल नंबर होगा। तो हम देखते हैं इसका मास कितना है, इसका मास हमारा कितना हो जाएगा, वन ही होगा ना। यहाँ पे देखते हैं इसका मास हमारा होगा वन, ठीक है, लेकिन दो है इसलिए टू क्रॉस वन। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मास आठ, एटॉमिक नंबर आठ, तो मास कितना हो जाएगा 16, ठीक 16। तो यहाँ पे कितने का रेशियो, यहाँ पे हम कह सकते हैं दो अनुपात है 16 है इसमें, इसका हाइड्रोजन का ये रहा, ये हाइड्रोजन का है और ये है ऑक्सीजन का, ठीक। फिर हमारा इसमें भी देखिए दिया गया है दो हाइड्रोजन है तो टू क्रॉस वन, ओके, और इसमें दिया गया है दो ऑक्सीजन यानी कि टू क्रॉस 16, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 32, ठीक है। तो इसमें कितना रेशियो हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का कितना रेशियो हो जाएगा, इसमें रेशियो होगा 2:32, ठीक। इनके अनुसार इनमें ये जो ऑक्सीजन का जो डिफरेंट मास यूज हुआ है, इसमें एक सिंपल ये स्मॉल होल नंबर का रेशियो होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं कितना है, इसमें दिया गया है 16 और यहां तो 32, तो इसको लिख लेते हैं 16:32, ठीक। तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1:2, ठीक है। इन्होंने यही बताया था कि जब दो एलिमेंट्स आपस में मिलकर संयोग करते हैं, तो एक का जो सेम मास है वो दूसरे के डिफरेंट मासेस से संयोग करता है, ठीक। लेकिन जो दूसरे का डिफरेंट मास एक के निश्चित मास से संयोग करता है, उसमें दूसरे के डिफरेंट मास में एक सिंपल यानी स्मॉल होल नंबर, स्मॉल होल रेशियो यानी छोटा पूर्णांक रेशियो होता है, ठीक है। वो एक कम, मैं कह सकते हैं कि बहुत कम रेशियो में होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्मॉल रेशियो था, बहुत छोटा ही रेशियो होल नंबर, ठीक है, 1:2। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये बहुत ही छोटा है, बहुत बड़ा नहीं होगा। इसको हम देखते हैं और दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, ना समझ में आएगा दूसरा एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आएगा, देखते हैं। हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो उसको और आसानी समझ सकते हैं। मान लेते हैं हम दो एलिमेंट को लेते हैं, मान लीजिए कार्बन और दूसरा हम लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक। तो इसका एक बार संयोग करा के हम बनाते हैं, इसको एक कंपाउंड हमने बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और दूसरा कंपाउंड हम मान लेते हैं, इसको बनाते हैं कार्बन ऑक्सीजन, इससे हम बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो इसमें हमने देखा कि इसका जो सेम है ना, इसका मास सेम है यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन इसका जो मास है वो डिफरेंट लिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे मास कितना, इसका मास होता है 12, ओके, दोनों जगहों पे 12, लेकिन यहाँ पे इसका मास होता है 16, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 यानी 32, ठीक है। ये देखिए अभी इसका डिफरेंस, इसमें जो रेशियो होगा इसके मासेस में वो एक सिंपल रेशियो होगा और स्मॉल भी होगा, ठीक, यानी कि यहाँ पे कितना 16:32। तो इसको सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 1:2, ठीक है। ये नियम यही कहना चाहता है कि ये जो पहला होगा, पहला एलिमेंट, उसका जो सिंपल वो सेम मास होगा जो दोनों कंपाउंड में, लेकिन दूसरे का जो डिफरेंट मास होगा उस डिफरेंट मासेस का रेशियो एक स्मॉल होल नंबर, ठीक है, ये स्मॉल होल नंबर होगा, ठीक। तो हम दूसरा इसमें देखते हैं कि हम एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इसमें लिया जा सकता है जिससे हम अच्छे से इसको समझ सकें। तो हम मान लेते हैं कि इसमें हम मोर एग्जाम्पल देखें, तो हम इसमें समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमने ले लिया इसको नाइट्रोजन, ठीक है, एक दो दूसरा एलिमेंट हम ले लेते हैं मान लीजिए ऑक्सीजन। तो हम इससे कंपाउंड देखते हैं कौन कौन से कंपाउंड हम इसमें बनाते हैं। तो कंपाउंड्स के लिए हम लिख देते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। हम देखते हैं, हम एन को ले लिया, एक एलिमेंट हमारा एन यानी कि नाइट्रोजन, दूसरा एलिमेंट हमने ऑक्सीजन ले लिया। इससे कंपाउंड कुछ हम लिखते हैं, उसके बाद हम इसको समझते हैं कि ये कैसे गुणित अनुपात होता है। तो हम पहला कंपाउंड ले लेते हैं N2O, ठीक, और दूसरा कंपाउंड हम ले लेते हैं जो है NO, और तीसरा हम ले लेते हैं NO2, चौथा ले लेते हैं
N2O3, एक कंपाउंड और हम ले लेते हैं जो कि होगा N2O5। ठीक है, हम इसमें देखते हैं कि इनके द्रव्यमान कैसे एक सरल गुणित अनुपात के रूप में है। ठीक है, तो पहला हमारा इसको हम ले लेते हैं, कितना दिया गया यहाँ पे द्रव्यमान, नाइट्रोजन कितना होता है 7 और एक नाइट्रोजन एटम होगा तो 7 × 2 = 14 और 2 है तो इसलिए कितना 28। ठीक है, इसका मास 28 और ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 × 2 = 16। पहले हमारा मास हुआ नाइट्रोजन का 28 और ऑक्सीजन का 16। दूसरे में मास देखते कितना दिया गया है, नाइट्रोजन का 28 है, नाइट्रोजन का एक ही नाइट्रोजन एटम है तो यहाँ पे होगा 14। ठीक, 14 और दूसरा हमारा कितना होगा, एक ही ऑक्सीजन एटम है तो 16। तीसरे में देखते हैं नाइट्रोजन एक दिया गया है ना, तो नाइट्रोजन यानी कि 14 होगा, 14 और कितना इसका होगा 16 × 32, 2 ऑक्सीजन के कारण 32 होगा। ठीक है, और तीसरा हमारा देगा N2O3 यानी कि 14 × 28 इसका हो जाएगा 28। ठीक, और इसमें हो जाएगा देखिए कितना दिया गया, 3 ऑक्सीजन है तो 16 × 32 और 16 × 3 = 48 इसलिए हो जाएगा 48 यानी कि 48। और लास्ट वाले में हमको हो जाएगा 28 और इसका हो जाएगा 5 ऑक्सीजन दिया गया है तो 16 × 25 = 80 यानी कि 80। तो ये हमारा हो गया मास, इसमें नाइट्रोजन का मास इतना, ऑक्सीजन का मास इतना, सभी कंपाउंड्स में बराबर दिए गए हैं। तो हम देखते हैं हमको नियम के अनुसार हमको किसी एक का मास जो है वो फिक्स करना है, तभी तो दूसरे का डिफरेंट डिफरेंट मास एक के फिक्स मास से संयोग करेगा। तो हम देखते हैं कि हम इसको फिक्स करते हैं नाइट्रोजन का। ठीक है, तो हम फिक्स कर रहे हैं नाइट्रोजन का, इधर लिखते हैं। चलिए यहाँ पे नाइट्रोजन का मास फिक्स करते हैं, तो नाइट्रोजन का मास फिक्स करेंगे तो यहाँ पे कितना 28 लिखते हैं। ठीक है, 28। यहाँ पे ऑक्सीजन का लिख देते हैं कितना आ रहा है, 16 ही दिया गया है तो 16, इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं की, लेकिन नीचे वाले में हमको मास इसका 28 करना है, तो इसके लिए हमको इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो इसका मास हो जाएगा 28, तो इसमें 2 से किए हैं तो इसमें भी 2 से करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 16 × 32। ठीक है, और इसका कितना आएगा, यहाँ पे 14 दिया गया है तो फिर से हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28 और ये इसमें भी 2 का गुणा होगा तो ये कितना जाएगा 32 × 64। ठीक है, फिर हम तीसरे वाले में देखते हैं, दोनों में दिया गया 28 28, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 28 और यहाँ पे होगा 48। ठीक है, 48। ठीक, और ये वाला होगा 28 और 80 यानी कि 28 से बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया है। ठीक है, सभी में कोई भी कंपाउंड हो, ये हो या ये भी हो, सभी में नाइट्रोजन का मास फिक्स है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि इसमें जो है ये एक सिंपल रेशियो है या नहीं, ये एक सिंपल रेशियो में है या नहीं, इसको देखते हैं। देखिए अगर हम इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा, अगर रेशियो इसका निकालें सभी का, 16:32 निकालें, अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर हम 16:32 निकालें, 16:32 अगर हम करें तो कितना आएगा, ये सिंपल रेशियो आएगा ना, 1:2 आएगा। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, ये 3 होगा और ये हो जाएगा 5। ये सिंपल रेशियो है ना, और स्मॉल रेशियो भी है, देखिए सभी स्मॉल, ये नहीं कि, इसलिए यहाँ पे नियम में इन्होंने बता दिया कि स्मॉल रेशियो होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। 1:2 हो गया, 2:3 हो गया, 3:4 हो गया, 4:5 हो गया, ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 1:8 हो जाएगा, 1:8, 4:9 ऐसा नहीं होगा, ये स्मॉल ही होगा, कम से कम रहेगा। ठीक है, तो ये इनका नियम था, गुणित अनुपात का नियम। उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ना समझ में आया होगा तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से इसको समझ में आए। तो ये हमारा ये नियम था, हम देखते हैं हमारा चौथा नियम। लेकिन हाँ, चौथा नियम देखने से पहले हमको एक नियम जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है वो होगा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, यानी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, देखते हैं उसको। जो हमारा ये नियम देगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसको चौथे नियम के रूप में मत लिखिएगा, ये अलग से हम आपको बता रहे हैं जो कि जरूरी है, हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया लेकिन बहुत ही जरूरी है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं।
व्युत्क्रम अनुपात का नियम, यानी कि व्हेन इसके अनुसार जो ये कहता, ये नियम कहता क्या है इसको, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विथ ए फिक्स, देखिए व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ, ये फिक्स मास दिया बताया गया, विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, ठीक है, यानी कि यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे दे दिया ना तीन एलिमेंट हो गए, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, यानी कि तीन एलिमेंट हो गए, देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो बियर्स ए स्मॉल होल नंबर रेशियो टू द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे देमसेल्व्स कंबाइन, देमसेल्व्स कंबाइन, इसको हम बताते हैं, देखिए जब दो तत्व यानी कि दो एलिमेंट्स अलग अलग संयोग करते हैं किससे, फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, जब दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के फिक्स मास से संयोग करते हैं, तब देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो, यानी कि वो जो अलग अलग दो तत्व दिए गए हैं ये इनका जो मासेस का रेशियो होगा इसके साथ जो फिक्स, इसके फिक्स मास के साथ तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ जो संयोग कर रहे हैं वो डू सो बियर से स्मॉल होल नंबर, वो एक स्मॉल होल नंबर यानी पूर्णांक रेशियो, छोटा पूर्णांक रेशियो रखते हैं टू द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे देमसेल्फ कंबाइन, उसके रेशियो रखते हैं जो किसके साथ, जिससे वो जो दो कंपाउंड दे गए जब अलग अलग ये जब आपस में संयोग करते हैं तो ये उस रेशियो में उसका रेशियो और इसका रेशियो एक स्मॉल होल नंबर होता है, ठीक है, इसको हम एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे, इसको एक बार बता देता हूँ अच्छे से कि ये जब दो कंपाउंड, यहाँ पे इसके नियम के अनुसार तीन कंपाउंड हमें चाहिए, टोटल तीन कंपाउंड, इसमें ये दो कंपाउंड होंगे, ये तीसरे मान लीजिए एक कंपाउंड इसको ले लेते हैं, दो कंपाउंड है, ठीक, तो इसका मास फिक्स रहेगा लेकिन इन दोनों कंपाउंड जो ये किसी भी मास के साथ आपस इसमें अलग अलग संयोग, एक बार ये संयोग करेगा एक बार ये संयोग करेगा, तो इनके जो मासेस होंगे इसके और इसके, इनका जो रेशियो होगा इस कंपाउंड के इसके इन दोनों के मिलने से जो कंपाउंड बना है इसमें जो इसका मास होगा और इन दोनों के मिलने से जो कंपाउंड बना है उसमें इसका मास जो होगा, इन दोनों का रेशियो, और फिर ये दोनों कोई कंपाउंड आपस में मिलकर बनाएंगे ये दोनों, तो उनका रेशियो एक स्मॉल होल नंबर होगा। इसको हम एक एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्या बता रहा है ये। सबसे पहले तो इसके अनुसार तीन एलिमेंट मान लीजिए लेते हैं, हम ले लेते हैं मानिए एक सल्फर ले लेते हैं, ठीक, या सल्फर, दूसरा हम लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, और तीसरा एलिमेंट हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, ये तीन एलिमेंट हो गए। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, टू एलिमेंट कंबाइंड सेपरेटली विथ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, मान लीजिए हम इसका मास फिक्स कर देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का मास फिक्स हो गया, इससे एक कंपाउंड बनाते हैं हम H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इससे एक कंपाउंड बनाते हैं H2O यानी कि वाटर, ठीक है, इसके अनुसार दो कंपाउंड बन गए। देखिए व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, यहाँ पे तीसरा एलिमेंट हमने इसको माना था, तीसरा एलिमेंट का मास फिक्स है, यहाँ पे दो यहाँ पे भी दो, ठीक, लेकिन इसका जो है वो एक यहाँ पे सल्फर है यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक, और यहाँ पे कह रहा है फिर से देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो, यानी इनके मासेस का रेशियो, यहाँ पे सल्फर का और यहाँ पे ऑक्सीजन, इनके मासेस का रेशियो, सल्फर का कितना होता है मास, यहाँ पे हम अलग से लिख लेते हैं, सल्फर का मास होता है 16^32, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 तो मास होगा 32, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 तो मास कितना 16, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और मास सेम ही होता है, एक ही होगा, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का मास तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी दो है और यहाँ पे भी दो दिया गया है, ठीक है, लेकिन सल्फर का मास कितना होता है, देखिए सल्फर का मास होता है 32, यहाँ पे हम लिखेंगे 32, और इसका मास कितना होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का मास होता है 16, ठीक है, ये इनके मासेस हो गए। इसमें यहाँ पे देखिए रेशियो ऑफ मासेस, ये ठीक है, इनका रेशियो तो निकल जाएगा आराम से, आगे देखते हैं क्या कहा गया है, आगे कहा इन विच दे डू सो बियर से स्मॉल होल नंबर रेशियो टू द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे देमसेल्व्स कंबाइन। अब इनको कंपाउंड, इनको कंबाइन करके कौन सा हम कोई कंपाउंड बनाते हैं, मान लीजिए इसको बनाते हैं हम SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसमें इनके मासेस कितने दिए गए, इसको हम लिख लेते हैं अलग से यहाँ पे SO2, तो इसमें मासेस कितने हैं, सल्फर का मास कितना हो जाएगा, सल्फर का मास 32 क्योंकि एक ही एटम है तो 32, और इसका ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, इसको रेशियो लगाते दिया गया ना रेशियो, अब देखिए रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे देमसेल्व्स कंबाइंड, तो इसका मास कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का दिया गया है 16 एक एटम का,
लेकिन यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम है तो कितना हो जाएगा 16 दुना 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 32। ठीक है, ये 32 हो गया, यानी कि ये कितना आ जाएगा, सिंपल हम करें इसको तो 1:1 आएगा। ठीक है, फिर इसमें हमारा इसका रेशियो देखिए कितना गया है, 32 और 16, तो यहाँ पे हम देखें 32:16, तो इसको कितना अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा 2:1। ठीक है, ये 2:1, ये 2:1 हमारा आ गया। ठीक, इसको ऊपर थोड़ा सा लिख लेते हैं, हमें लगता है बोर्ड में नहीं दिख रहा, हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, अलग अलग दिया गया है ना, इसको हम लिख लेते हैं 32:16। यहाँ पे लिखते हैं हम 32:16, इसको हम अगर सिंपल करें एकदम सिंपल, मतलब क्या बोलते हैं इसको, छोटा, जितना छोटा है उसके, ताकि वो किसी दूसरे से डिविजिबल ना हो, तो यहाँ पे छोटा करेंगे कितना जाएगा 2:1। तो यह कह रहा है कि इनका रेशियो एक स्मॉल होल नंबर होगा, तो इसका और इसका रेशियो हम निकालते कितना आ जाएगा, देखिए तो ये हो गया 2/1 और इसका बेटा कितना 1/1। तो सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल दिया गया है, तो ये बराबर करके आ जाएगा कितना 2। तो ये स्मॉल होल नंबर है ना, देखिए 2, इसको हम 2:1 लिख सकते हैं भाई, रेशियो हमको रेशियो में लिखना है ना। देखिए यहाँ पे दिया गया है, देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो बियर्स ए स्मॉल होल नंबर रेशियो। स्मॉल होल नंबर रेशियो लिखा गया ना, तो स्मॉल होल नंबर रेशियो में हमने लिख दिया इसको, स्मॉल होल नंबर रेशियो में हम इसको लिख रहे हैं कितना 2:1 लिख रहे हैं ना, स्मॉल होल नंबर ये है, यहाँ पे देखिए आया है स्मॉल होल नंबर, तो हमने लिखा स्मॉल होल नंबर में, ये समझ में आया आपको। देखिए सीधी सी बात, तीन एलिमेंट्स लिए, इससे हमने तीन कंपाउंड बनाए, पहले तो इसका मास फिक्स करके हमने H2S बनाया और H2O बनाया, फिर हमने इनका संयोग कराया कि इनके संयोग से हम कोई कंपाउंड बनाते हैं, तो हमने कंपाउंड बनाया SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब नियम के अनुसार हमें देखना है कि इसका जो मास है, किसी एक का मास फिक्स हमने कर दिया, मान लीजिए इसका मास हमने फिक्स कर दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फिक्स मास सल्फर के मास से और ऑक्सीजन के मास से संयोग कर रहा है, जिससे हमने सल्फर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकाला, जो हमारा दिया गया है सल्फर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो, ये देखिए सल्फर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो है ये। ठीक, सल्फर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमारा 2:1 आया, माने 2:1। फिर हमने निकाला सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो, तो ये देखिए हमने निकाला है 1:1। ठीक है, फिर हमने निकाला कि इनका और इनका रेशियो कितना आएगा, तो इनका और इनका रेशियो हमने निकाला 2:1 आया। ठीक है, 2:1, तो यही हमारा था, एक सिंपल रेशियो है ना स्मॉल होल नंबर, क्योंकि भाई स्मॉल होल नंबर 2 तो स्मॉल ही होता है, होल नंबर भी है, इसके बारे में हमको पता है कि होल नंबर ही है 2:1। तो ये था हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इसको हम अगर कोई और एग्जांपल लें, दूसरा एग्जांपल एक और लेके आपको बताते हैं, कोई भी एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम, तो मान लीजिए हमने ले लिया तो हम ले लेते हैं क्या कहते हैं उसको, मान लीजिए कार्बन ले लेते हैं। ठीक है, कार्बन ले लिया हमने, और हम ले लेते हैं ऑक्सीजन, और एक हम ले लेते हैं सल्फर, मान लीजिए ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम लेते हैं, तो इसमें हम बनाते हैं, देखिए पहले हमको किसी एक का मास फिक्स करना है ना, तो हम फिक्स करते हैं, देखिए इसको पहले हम बना देते हैं, ये क्या बनेगा, अगर हम इसे संयोग कराए तो हो जाएगा CH2। ठीक, इसको संयोग कराए तो क्या बन जाएगा, ये CO2। ठीक है, और इसका संयोग कराए तो क्या बन जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें भी हम देखेंगे कि किसी एक का फिक्स कर दे, मान लीजिए हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया कार्बन का। ठीक है, कार्बन का एक हमें एक का ही फिक्स करना, तो हमने कार्बन का यहाँ पे फिक्स कर दिया, फिर ऑक्सीजन का इससे संयोग कराया, फिर जो है सल्फर का इससे संयोग कराया, तो हमको यहाँ पे इनका रेशियो निकालना है ना, ऑक्सीजन के द्रव्यमान का रेशियो, ऑक्सीजन का द्रव्यमान और सल्फर का द्रव्यमान यहाँ पे कितना होता है, हम साइड में लिख देते हैं जिससे हमको आसानी होगी, आपको भी समझने में आसानी होगी। कार्बन का मास होता है कितना 12, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 8 × 16, और सल्फर का मास होता है 16 × 32। ठीक है, तो हम इस कंपाउंड के लिए देखते हैं कितना कितना होगा रेशियो, यहाँ पे कार्बन हो गया 12 और ऑक्सीजन कितना 16 × 32, क्योंकि 2 ऑक्सीजन दिया गया ना इसलिए 32, तो ये हो गया 32। फिर इसके लिए लिखते हैं हम कार्बन और सल्फर के लिए, तो कार्बन के लिए 12, लेकिन सल्फर के लिए कितना, सल्फर के एक एटम का हमने बताया 32, तो 2 एटम है इसलिए कितना हो जाएगा 64 यानी 64। ठीक है, फिर ये तो हमारे 2 कंपाउंड हुए, तो हमको रेशियो किसका निकालना, ऑक्सीजन का और इसका, ऑक्सीजन और सल्फर, तो हमने इसका रेशियो निकाला, अगर
O2 रेशियो H2 हम निकाल दें कितना है, O2 दिया गया 32 रेशियो 64, तो ये हमारा कितना आएगा 32 रेशियो 64 हम निकाल लें तो ये हमारा आ जाएगा 1:2, ठीक है। ये हमारा 1:2 आ रहा है, देखिए ये 1:2 आया। फिर हम हमारा दो एक कंपाउंड हो गया, इस कंपाउंड का और इस कंपाउंड का काम हो गया। अब हमको इस कंपाउंड के बारे में देखना है, तो इस कंपाउंड में कितना सल्फर का मास कितना होता है हमने देखा, यहाँ पे लिखा है ना सल्फर का मास 32 यानी कि 32। फिर ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, देखिए ऑक्सीजन का दो एटम है तो एक ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16 × 32 यानी कि 16, तो दो ऑक्सीजन का एटम कितना हो जाएगा 32। तो यहां भी बताया गया ये स्मॉल होल नंबर, देखिए ये रेशियो हमारा आया है कहां गया, ये 1:2 एक रेशियो और दूसरा रेशियो ये, इसको सिंपल हम करें कितना आएगा 1:1, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम देखेंगे कि इसका इसके सापेक्ष रेशियो निकालेंगे, इसका और इसका रेशियो देखिए कितना आ रहा है 1/2 / 1/1, तो ये सिंपल, ये भी सिंपल है तो इसमें कितना आ जाएगा 1:1 / 1:2, ये हमारा है ना ये स्मॉल होल नंबर रेशियो है, देखिए डू सो बियर से स्मॉल होल नंबर रेशियो, तो ये हमारा छोटा धन छोटा पूर्णांक रेशियो है, ठीक है। तो अब हम ये हमारा था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, अब हम अपने चौथे नियम की तरफ चलते हैं जो हमारे कॉम्बिनेशन लॉ का चौथा नियम है जिसको हम कह सकते हैं गैलुसाक का गैसी नियम। तो हम तो हमारा चौथा नियम जो है गैलुसाक लॉ ऑफ गैसी वॉल्यूम यानी कि गैलुसाक का गैसी आयतन का नियम, क्या गैलुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम यानी कि जब कोई रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं कि कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है, तो अभी तक तो हमने लिक्विड्स का कॉम्बिनेशन, हम देखते हैं कि इन्होंने गैसों के लिए बताया था कि गैसों का आयतन किस तरीके से होता है। सबसे पहले तो इस नियम को गैलुसाक ने दिया था और वो भी 1808 ईस्वी में, ठीक है। तो इन्होंने बताया जो कि व्हेन गैसेस रिएक्ट यानी कि जब गैसें अभिक्रिया करती हैं दे डू सो इन वॉल्यूम विच बियर्स ए सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन एनदर, देखिए यहाँ पे है टू वन एनदर, ठीक है, एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इफ गैसियस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इनके कहने का मतलब है कि जब गैसें रिएक्ट करती हैं तो जो वॉल्यूम जो उनका वॉल्यूम होता है, देखिए दे डू सो इन वॉल्यूम यानी कि यह वॉल्यूम के रूप में ये करती हैं, वॉल्यूम में विच बियर से सिंपल होल नंबर रेशियो, कोई दो जो एडक्ट होंगे मान लीजिए हम ले लेते हैं एक ए और दूसरा बी, ये दो अभिक्रिया के पहले के हैं गैसेज, गैसेज ए गैस बी, तो इनका जो वॉल्यूम होगा वो एक सिंपल रेशियो में होगा और इनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनेगा मान लीजिए सी बन रहा है, तो ये जो प्रोडक्ट होगा अगर ये गैसियस है, अगर ये गैसियस है तो ये भी एक सिंपल रेशियो में होगा इनके साथ, ठीक है। तो सीधे सीधे इनके नियम का कहने इनका कहने का मतलब यही है कि इनके कहने का मतलब सीधे ये कि जब दो गैसें आपस में रिएक्ट करती हैं वॉल्यूम एक निश्चित वॉल्यूम में, जब दो गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके वॉल्यूम्स का एक रेशियो होता है वो निश्चित होता है और एक सिंपल होल नंबर है साधारण पूर्ण संख्या के रूप में होता है उनका रेशियो टू वन एनदर एक दूसरे के सापेक्ष, और एंड टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि जो उत्पाद बनेगा उसके रेशियो के उसका भी जो वॉल्यूम होगा वो भी एक सिंपल रेशियो में होगा। यहाँ पे इसलिए लिख दिया गया है इफ गैसियस यानी कि अगर प्रोडक्ट गैसियस है, अगर गैसियस नहीं है तब उसको कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन अगर गैसियस है तो वो भी एक सिंपल रेशियो में होगा एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी कि समान ताप और दाब पर, ये बातें कही गई हैं यानी अगर समान और ताप ताप और दाब पर दो कोई दो गैसें आपस में रिएक्ट कर रही है तो उनका जो 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 वॉल्यूम यानी जो गैस मान लीजिए दो गैस एक जो गैस एक का वॉल्यूम होगा जो गैस दो का वॉल्यूम होगा उनका जो रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर यानी सिंपल पूर्ण संख्या होगी। तो इसके लिए हम एग्जांपल अगर देखें तो हम इसके लिए क्वेश्चन लेके आए, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। तो हमारा जो क्वेश्चन हम इस सवाल के अंतर्गत इस नियम के अंतर्गत जो हम सवाल लगाएंगे यानी क्वेश्चन लगाएंगे वो होगा व्हेन 100 ml ऑफ CH4 यानी 100 ml ऑफ मेथेन बर्न्स यानी जलता है इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O यानी कि वाटर। तो ये दिया गया है कि जब 100 ml CH4 यानी 100 ml मेथेन को हम जलाएंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलेगा यानी प्रोड्यूस होगा। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड
एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, यानी कि कितना ऑक्सीजन हमको उस 100 ml मेथेन को जलाने के लिए आवश्यकता होगी और फिर उससे कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू उसको देखते हैं इस नियम को। जो मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन हो, ठीक है, हम मान लेते हैं हाइड्रोजन हमारे पास है और ये है ऑक्सीजन। तो इसको हमको गैसेस के रूप में, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, तो मान लीजिए इसको हमने 2 लिखा, इसे हम रिएक्शन कराते हैं तो ये बनेगा हमारा H2O, इसको वाइपर, ठीक है। ये मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के वाइपर बनाते हैं, तो कितना बनाएंगे इसका, कितना कितना वॉल्यूम आपस में संयोग करके कितना वाइपर बना रहा है ये हमको बताना है इसमें। तो ये होगा, देखिए ये मान लीजिए हमारा 100 ml है, 100 ml, ये 100 ml और ये 1 ऑक्सीजन है ना, तो ये कितना 50 ml। तो ये दोनों मिल करके आपस में बनाएंगे इसको 100 ml वाटर वेपर, यानी 100 ml जलवाष्प बनाएंगे। ये 2 हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन 1, यानी कि इसका 100 ml वॉल्यूम, इसका 50, यानी ऑक्सीजन का 50 ml वॉल्यूम मिलके बनाएगा 100 ml वाटर वेपर, यानी कि 100 ml जलवाष्प बनाएगा। तो ये यही बता, इसी नियम के थ्रू हमको इसको बताना है कि कितने ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होगा और कितना CO2 प्रोड्यूस होगा। तो हम इसकी बर्निंग रिएक्शन लिखते हैं, CH4 की बर्निंग रिएक्शन। तो ये होगा CH4 प्लस ऑक्सीजन, तो इससे बना रहा है क्या, देखिए यह कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है प्लस वाटर बना रहा है, भाई रिएक्शन है तो ये होगा, उसके साथ हीट भी निकलेगी, भाई बर्निंग रिएक्शन है, बर्निंग रिएक्शन तो हीट तो निकलेगी ना, कि हीट नहीं निकलेगी, बिना हीट निकले बर्न जलने लगेगा, है ना। तो हम पहले तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के क्या दिया गया, देखिए कार्बन 1 है, ठीक है, कार्बन 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 दिया गया, ऑक्सीजन 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दिखा रहा है, तो इसके लिए हमको ऑक्सीजन कुछ तो करना होगा, तो हम यहाँ पे इसको 2 लिख देते हैं, ठीक है। फिर वाटर है, वाटर में कौन सा मॉलिक्यूल कितना, इससे हमको कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कितना होगा 1, यानी कि 1 मेथेन और 2 ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे ये बना, ठीक है, यदि कितना आया 1 बनेगा और ये बनेगा, इसको नहीं लिखते हैं क्योंकि वाटर है, वाटर में हम मॉलिक्यूल्स गिन थोड़े ना पाएंगे, है ना। तो ये हमारा जो रिएक्शन है वो ये है, इसमें हमको बताना है 100 ml ऑफ CH4 बर्न्स, इट प्रोड्यूसेस इतना, और तो 100 ml इसको कितना बताया गया है, 100 ml है ना, 100 ml ये है, तो हमको निकालना है कि ये 1 वॉल्यूम इसको मानते हैं ना, देखिए ये 1 वॉल्यूम दिया गया ना, इसको 100 बाद में लिखते हैं, देखिए ये 1 वॉल्यूम है इसका, 1 वॉल्यूम यानी कि एक आयतन, इसका कितना आयतन हो रहा है, इसका 2 आयतन हो रहा है ना, 2 आयतन यानी कि 2 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे बना है कितना, इसका 1 वॉल्यूम बना रहा है ना, देखिए इसका बना रहा है 1 वॉल्यूम। जब हमने इसको बैलेंस किया रिएक्शन को, तो ये हमें पता चला कि 1 वॉल्यूम है मेथेन का और 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन का, जिससे हमको मिल रहा है जो 1 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का, और वाटर को हम लिखेंगे नहीं, कितना बनेगा भाई वो तो नहीं कहा जा सकता ना। तो यहाँ पे देखिए कितना दिया गया है, 100 ml, 100 ml मेथेन है, इसको हमको बर्न करना है, तो कितने कितने क्या सकते, देखिए 1 वॉल्यूम बराबर इसको दिया गया है, तो ये इसका 2 वॉल्यूम दिया गया ना, कि हमको 1 वॉल्यूम मेथेन को जलाने के लिए 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 100 ml अगर मेथेन है तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 200 ml होगा ना, ये 200 ml हो जाएगा, 200 ml, ठीक, और ये कितना 100 ml आ गया ना। देखिए यही तो पूछा था कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एंड CO2 प्रोड्यूसेस, तो इसके मेथेन के जलने से हमको मिला कितना, 200 ml मिला हमको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, जो कि रिक्वायर्ड होगा, जो कि रिक्वायर्ड होगा, और ये हमको मिला कार्बन डाइऑक्साइड 100 ml जो कि प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इस नियम को, इस नियम के लिए ये रिएक्शन बहुत अच्छा है, ये जो रिएक्शन दिया गया ये इसी से संबंधित है। फिर इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से गैलसाक महोदय बहुत अच्छे से नहीं समझा पाए थे, जिसको बाद में एवोगाड्रो महोदय ने इस पे वर्क करके इसको और अच्छे तरीके से समझाया, जो हमारा इसमें का 5वां नियम है। ये हमारा था कॉम्बिनेशन लॉ का 4था नियम, हमारा भी इसमें का एक नियम और बच रहा है, जो कि होगा एवोगाड्रो लॉ, हम उसको अपने अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, हम उसको अपने अगले वीडियो में देखेंगे।
तो ये हमारा था आज के लिए, हमारे पास इतना ही। अगले वीडियो में हम उसको आप शुरू करेंगे जो कि हमारा टॉपिक होगा अवोगाड्रो लॉ। ठीक, तो हमारे चार नियम हो चुके हैं, एक नियम हमारा बचा हुआ है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, हम अपना जो एक नियम हमारा बचा हुआ है अवोगाड्रो लॉ उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।